सीआर चौधरी के टाइम में उस टाइम उद्घाटन किया था काम चालू का, उसके बाद कार्य तो चल रहा था, कभी नीचे की रोडें नहीं बनी, सभी के लिए धूल, वहाँ बाहर पंचायत समिति है, एसडीएम ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, सभी 7-8 शिक्षण संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, सभी वहाँ दिन भर आना जाना रहता है, तो घूम कर आते हैं तब तो 4-5 किलोमीटर का वो तो पड़े। बाकी इस बात की शाम को उनके साथ मीटिंग तय कर रखी है एनएच के और जो पीडब्ल्यू है, जल्दी हम इस फाटक को खोलने का प्रयास करें। बड़ी विडम्बना की बात है, नागौर के अंदर एक बहुत छोटे से मामले में जनता का जो आक्रोश है और प्रशासनिक अंधेरी के जो शिकार को आश्वस्त किया है कि आज शाम तक हम मीटिंग करेंगे और कल तक हमें इस जो प्रशासनिक लेवल पे बातचीत होगी। नागौर जिले की तमाम खबरों के साथ साथ प्रदेश, देश और विश्व भर की सभी खबरों के साथ रहिए अपडेट। पिछले 17 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में साप्ताहिक रॉयल पत्रिका प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। मोहम्मद रफीक, दिल्ली दरवाजा, नागौर, 93-52-91-07-75। मानासर रेलवे फाटक खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन, विधायक नारायण बेनीवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन, रैली के रूप में कलेक्टरेट पहुंचकर किया प्रदर्शन, रेलवे फाटक को तत्काल प्रभाव से खोलने की मांग। पिछले कई महीने से बंद है मानासर रेलवे फाटक, आरओबी के निर्माणाधीन होने के चलते बंद है रेलवे फाटक। नागौर के मानासर रेलवे फाटक को खुलवाने की मांग को लेकर आज व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने नागौर कलेक्टरेट पर नारेबाजी की और रेलवे फाटक खुलवाने की मांग की है। व्यापारियों के इस प्रदर्शन के दौरान खीवसर के विधायक नारायण बेनीवाल भी साथ में मौजूद रहे। आरओबी निर्माण के लिए 70 दिनों का कहकर जो मानासर रेलवे फाटक को रेलवे तरफ से बंद की गई थी, वो आज एक साल बीत जाने के बाद भी नहीं खोली गई। इस कारण शहर के सबसे पुराना ट्रांसपोर्ट बाजार में धंधा 80% से अधिक चौपट है, वही 100 से अधिक दुकानदार बेरोजगार हो गए। फाटक बंद होने से सबसे बड़ा खामियाजा मानासर फाटक से बाहर की तरफ रहने वाले 1000 से अधिक परिवार और करीब 5000 लोगों को शहर में आने का रास्ता बंद हो गया है। परेशान होकर किया प्रदर्शन, रेलवे फाटक बंद होने से लगातार हो रही परेशानी के चलते आज सभी दुकानदार, व्यापारी और शहरवासी कलेक्टरेट पहुंचे व विरोध प्रदर्शन किया। फाटक खुलवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 23 फरवरी 2022 को बंद किया फाटक, आज तक है बंद। राष्ट्रीय उच्च मार्ग, देखिए कलेक्टर साहब ने अभी रेलवे के अधिकारियों से बात की है, शाम को उनके साथ मीटिंग तय करके एनएच के और जो पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर और रेलवे के जो अफसर हैं उनके साथ मीटिंग तय करके, और इन्होंने ये कहा कि जल्दी हम इस फाटक को खोलने का प्रयास करें। बड़ी विडम्बना की बात है, नागौर के अंदर एक बहुत छोटे से मामले में जनता का जो आक्रोश है और प्रशासनिक अनदेखी के जो शिकार लोग हो रहे हैं, इसको लेके हमने कलेक्टर साहब से अवगत कराया है और जल्दी इस मामले को लेके हम आज सांसद महोदय से भी बात करेंगे। हमारे प्रयास रहेगा कि उधर की जो कॉलोनियां, जो स्कूल के बच्चे और जो दूर दराज से जो लोग आते हैं मानासर फाटक, उनको कोई तकलीफ नहीं हो, इसलिए फाटक भी जल्दी से जल्दी खुले और पुलिये का काम भी अतिशीघ्र पूरा हो। इन दोनों मामलों को लेकर अभी उच्चाधिकारियों से कलेक्टर साहब ने भी बात की, हम भी आज बात करके और इसका कोई ठोस रिजल्ट जो निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। संघर्ष समिति मानासर रेलवे फाटक खोलो के अल्प आग्रह से नारायण जी भाई साहब हमारे साथ चले ज्ञापन देने, और आपने कलेक्टर साहब को पूरी समस्या अपने श्रीमुख से बताई, और माननीय जिलाधीश महोदय ने भी यह विधायक महोदय को आश्वस्त किया है कि आज शाम तक हम मीटिंग करेंगे और कल तक हमें इस जो भी इनके प्रशासनिक लेवल पे बातचीत होगी, जॉइंट सर्वे होगा, उस सर्वे में जो चीज़ बताई जाएगी हम कल वापस कलेक्टर साहब से मिलेंगे और वो क्या कहते हैं। और हमारे साथ आज नागौर इस मानासर रेलवे फाटक कोलो संघर्ष समिति में माननीय विधायक पहुंचे, रेवंत जी डांगा भाई साहब जनप्रतिनिधि पहुंचे और अनेक हमारे जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे, नागरिकों का सहयोग मिला और आज बहुत बड़ी विशाल संख्या में हमने ये धरना और प्रदर्शन किया। आगे भी हम इस प्रकार अगर मानासर फाटक को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो ऐसे संघर्ष और करेंगे। जिला प्रशासन से हमारा करबद्ध निवेदन है कि हमारी जो समस्या है इसको जल्द से जल्द निपटाएं। मानासर रेलवे फाटक का काम चालू है, ओवर ब्रिज का काम चालू है, आज 5 साल हो गए। सीआर चौधरी के टाइम में उस टाइम उद्घाटन किया था काम चालू का, उसके बाद कार्य तो चल रहा था,
कभी नीचे की रोडें नहीं बनी, सभी के लिए धूल मिट्टी उड़ रही है, परेशान है सभी। और हमारी मुख्य मांग ये है कि फाटक खोलो। फाटक को प्रशासन ने 70 दिन का टाइम दिया था मीडिया के माध्यम से आप, कि ये 70 दिन के बाद काम करके आपके वापस चालू कर देंगे, तो उस 70 दिन के टाइम की जगह 1 साल हो गया है, हमारी फाटक अभी भी नहीं खोली गई है, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ बाहर पंचायत समिति है, SDM ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, सभी 7-8 शिक्षण संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, सभी वहाँ दिन भर आना जाना रहता रहे, वहाँ पर विद्यार्थी जाते हैं तो गाड़ी यहाँ छोड़कर उनको जाना पड़ता है। इसी कॉलोनी में स्थानीय क्यूसर विधायक नारायण जी बेनीवाल का मकान है, तो सभी को ये समस्या है कि कोई को भी इधर आना पड़ता है मानसर, तो घूम कर आते हैं तब तो 4-5 किलोमीटर का गोतो पड़े, बाकी निया अटू को उधर जावे तो आशा को डर है, कभी किसी समय आशा हो सकता है। इसीलिए हमारी आप मीडिया बंदों के माध्यम से आग्रह है प्रशासन को कि हमारी ये फाटक खोलने का प्रयास करावे। क्या नाम है सर? अशोक नाम है, स्थानीय दुकानदारों में वहाँ का धंधा चौपट पूरा हो गया, सभी दुकानदारों का